क्या कुछ हो मैक्सवेल ने 200 रन बना दिए, वो भी सिर्फ एक टांग के ऊपर, दो टांगों के ऊपर नहीं, दूसरी तरफ श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में क्या किया, श्रीलंकन्स के साथ क्या, मैथ्यूज को किस तरह आउट कर दिया टाइम आउट देके। खैर अभी तो सबसे बड़ी जो न्यूज है वो ये है कि मैक्सवेल ने 200 रन बना दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। अच्छा खेला भाई मैक्सवेल ने, बहुत अच्छा। किसी भी टांग के ऊपर नहीं, व्हील चेयर के ऊपर बैठ के अगले दिन जो है पूरा मैच 90 के ऊपर 7 आउट थे और 280 90 बना के साइड पे मारी। खैर इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो हम बात करेंगे, तो चलो राइट ऑफ आपने नहीं करना, ये रोबोट के बच्चे, ये इंसान के बच्चे नहीं है, ये ग्राउंड से निकलते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाके चार्जिंग पे लग जाते हैं, ये बिल्कुल इंसान के बच्चे नहीं। मैं आपको अंदर में आपको अपनी एक्सपीरियंस देखे, मैं आपको जो भी बातें बता रहा होता ना वो मेरी आंखों देखा जो होता है वो मैं बताता हूँ। ये और बात आप लोग समझते हैं कि मजाक हो रहा है, कॉमेडी हो रही क्रिकेट के ऊपर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग ड्रेसिंग रूम में जाके आप क्या कर ले, इनके ड्रेसिंग रूम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये तो मेरे खुफिया कैमरे लगे हुए, इनसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चार्जिंग पे लगे होते हैं, इंसान के बच्चे नहीं रोबोट। तुम लोग को मैंने पहले कहा था कि एक दफा पहले इनके साथ इसी तरह हुआ था 99 के वर्ल्ड कप में, हम सब इनके हंसे थे और इन्होंने फिर उसके बाद अगले 13 साल हमें जलील किया था। अभी हम फिर इन पर हंसे थे इस वर्ल्ड कप के अंदर, अब ये फाइनल से पहले नहीं रुकने लगे। जो फाइनल के साथ खेल रहा होगा ना बस अब वही कर ले। मुझे तो डर लग रहा है कि पाकिस्तान का फाइनल फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। अच्छा है 99 का वो जो हमने शुरू किया था ना पेंत्रा, उसको बिल्कुल उलट करने का यही एक तरीका हो सकता है कि अब हम फाइनल में आके इनको हरा दें, 113 के ऊपर आउट किया और हम चेस कर लें, तो तभी ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। वैसे अगर ऐसा कुछ हो गया तो मजा ही आ जाएगा। कुदरत के निजाम के ऊपर तुम लोग बातें करते हो ना, आज कुदरत का निजाम देखो कि मैक्सवेल के 2-3 चांसेस उसको मिले, टांगे उसकी चली गई। अल्लाह ने दिखाया है कि जब हमने किसी का हाथ थामना हो ना तो हम किस तरह थाम लेते हैं बगैर टांगों के भी बंदे से, जो एक एंड के ऊपर खड़ा हुआ है सिर्फ छक्के चौके मार रहा है, दूसरी तरफ कमिंस खड़ा हुआ है कुछ भी नहीं कर रहा, ओवर मेड इन कर रहा है, अगला बंदा जो है वो छक्के पे छक्के पेल रहा है। आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो क्यों कम होंगी और मैं इतनी लेट वीडियो क्यों बना रहा हूं, तो दोस्तों इसलिए क्योंकि शूटिंग में बिजी था यार, नहीं बना सकता तुम लोग के लिए वीडियो। सर कितनी मैं मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं को क्या पता, तो इसके ऊपर कम से कम कोई लाइक वाइक ही कर दिया करो, सब्सक्राइब ही कर दिया करो मेरे चैनल को। खैर जस्ट लाइक अ वाओ इनिंग्स खेली है इस बंदे ने और ऐसे मौके पर खेली है जब अफगानिस्तान पूरी तरह से गेम के ऊपर हावी हुआ हुआ था। पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग करते हुए बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, बड़ा स्कोर कर लिए थे एंड के अंदर आके उन्होंने जो 3-4 ओवर में जितना इनको पेला है 290-300 के करीब आप चले गए थे। और मैं इसी बात पे वैसे थोड़ा सा वो था कि इनको कभी भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, इनके लिए वही ठीक रहता है कि 3 ओवर के बाद इतने रन होने चाहिए 4 ओवर। डकवर्थ लुईस में आपको एक बहुत बड़ी एक हमारे पाकिस्तानियों को आज तक समझ नहीं आती ना कि किस स्ट्रेटजी के ऊपर चले, मैं आपको करोड़ों का एक मशवरा दे देता हूं, वो ये है कि किसी भी एक्सपर्ट की आपको जरूरत नहीं है। जब भी आप चेस कर रहे हो तो डकवर्थ लुईस की जो भी कैलकुलेशन है उनके ऊपर चलना शुरू कर देने की, भाई हमने ये करना है बस, समझेंगे बारिश होने वाली है तो हमने 5 ओवर के बाद इतने स्कोर बनाने हैं, 7 ओवर के बाद इतना स्कोर बनाना है, 12 ओवर के बाद इतना स्कोर बनाना है, आपका चेज हो जाएगा बेहतरीन। आपको किसी भी फॉरनर हो, मुझे मैं इसके ऊपर शर्त लगाने को तैयार हूं कि बहुत से हमारे जो इस किस्म के बिग ब्रेन्स बैठे होंगे टीम के अंदर बैठे हैं वो इसी तरह के पीछे सॉफ्टवेयर पे डकवर्थ लुईस में करके तो स्ट्रेटजी बनाते होंगे कि हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ये होना चाहिए। और फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है 1993 के अंदर जो मैच हुआ था तो उसके अंदर स्पीच के अंदर ड्यूशी हो जाती है, तो 12 ओवर के बाद इतना स्कोर होना चाहिए, इसी किस्म की कोई मनगढ़ंत कहानी बना के जो है डकवर्थ लुईस का ही पूरा प्लान चेप देते होंगे। खैर शाउट आउट देना चाहूंगा मैं मिस्टर इरफान पठान को, आई एम प्रीटी श्योर कि वो इस वक्त मैक्सवेल के साथ जो है ना ये करके नाच रहा होगा, पीछे जो उसका वो माइक भी है वो भी दुम की तरह लटका हुआ होगा। और दूसरी में शाउट आउट उसको इसलिए देना चाहूंगा कि कल तुमने मेरे ख्याल में इन्होंने पूरी अफगानिस्तान टीम को अपने घर में बुलाया हुआ था, वहां पर उनको चर्बी वाले खाने खिला रहा है और पता नहीं क्या नान रोटी और चटनियां जो ये लोग पी रहे थे कटोरे के मुंह लगा के, अंदर की खबरें आप लोगों को बता रहा हूं कि अंदर कर क्या रहे थे, मुझे पता है कि क्या कर रहे थे, कावा भी नहीं पी रहे थे कि भाई कावा कौन पीता है, हम तो बोटियां ही खाएंगे, दांतों में बोटियां फंसी नहीं, बुरी हालत इनकी हुई भी थी सुबह, इसलिए स्लो हो गए, कैचेज इन्होंने ड्रॉप किए, 7 आउट कर लिए, इन्होंने कहा कि भाई हम तो बस जीत गए, लेकिन इनको नहीं पता था कि रोबोट के बच्चे हैं, 4 जो के आए हैं कभी भी 200-300 जो मर्जी करवा लो इनसे भाई। खैर मुजीबुर रहमान दोस्त के लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए, अगर वो कैच ड्रॉप ना करते तो हमें इतनी खूबसूरत इनिंग्स ना देखने को मिलती, मन हमारे ड्रीम्स तो खत्म होते नजर आ रहे थे। अभी मैं तो यही चाहूंगा कि कुदरत का निजाम एक आखिरी दफा भी निजाम कर ले। कुछ सुना है कि जहां पे श्रीलंका का और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है वहां पर कोई, यहां मेरी गर्दन तक जो है इतना पानी खड़ा हुआ है इस वक्त, इतनी बारिश हो रही है, डड्डू मच्छी मगरमच्छ शार्क मछलियां
सारी जो है उस ग्राउंड के अंदर फिर रही, वहां के जो ग्राउंडमैन है एक ही टांग खा गई बेचारे, वो भी लंगड़े हो गए। वो मैक्सवेल से ही पूछ रहे हैं कि भाई एक टांग के ऊपर हम किस तरह भाग भाग के जो है वो पिच बनाएंगे, तो मैक्सवेल उनके पास ही गया हुआ है। और एक और खबर ये भी है कि वो जो बॉल इनको इंडिया वालों को मिल जाती है ना बॉलिंग करते हुए, वही बॉल इन्होंने नकली बॉल जो है जो कि इधर उधर स्विंग हो रही होती है वही दी हुई थी अफगानिस्तान को भी। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था क्योंकि मेरी बड़ी क्लोज नजर होती है क्रिकेट के ऊपर, तो ये पता चल रहा था कि कब इस किस्म की कोई दो नंबरी हो रही, तो अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको भी ये दे रहे हैं इसी किस्म की बॉल्स। लेकिन फिर मैक्सी भी तो मेरा शेर है ना, उसने भी जो है वो स्प्रिंग वाला बैट लिया हुआ था आज, टांगों वांगों की जरूरत नहीं पड़ी है, टच करता है और छक्का जो है वो छक्का क्या अट्ठे मार रहा था अगला जो है। कमिंस जो है वो दूसरे एंड के ऊपर खड़ा सिर्फ देख रहा था। मैं हमें 200 रन की इन्होंने पार्टनरशिप की है जिसमें से 180 रन तो मैक्सवेल के अपने अकेले के। वैसे मलिक रियाज साहब को चाहिए कि इसके लिए ना कोई दो एक कनाल का प्लॉट भी जो है वो कम से कम अलॉट कर दे, कोई यहां पर फ्लाईओवर ब्रिज बनने चाहिए मैक्सवेल के नाम के। दूसरा मैं एक और भी आपको बात बता दूं कि मैंने मैक्सवेल की कुंडली निकाली है, इसकी जो ब्लड लाइन है वो फिफ्थ जनरेशन पे जाकर मिल जाती है नसीम शाह की जो ब्लड लाइन है उसके साथ ही। तो अफगानिस्तानियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम लोगों को किसी पराये ने आगे तुम लोगों के साथ ये सब कुछ नहीं किया, ये अपने ही अपने नसीम शाह का खून ही है जो कि गया है मैक्सवेल से मिला है और उस पर उसकी जीन्स यहां पर आए हैं, उन्होंने ये कर दी है। अंडरटेकर की तरह लेटा हुआ था और फिर वो रीढ़ की हड्डी ऊपर करके जिस तरह खड़ा होता था ना, उस तरह खड़ा होकर इसने 200 रन मारे। क्या खूबसूरत इनिंग्स, ऐसी इनिंग्स खेली है वर्ल्ड कप के अंदर। सचिन और कोहली भी आए हुए थे ये मैच देखने के लिए अपनी बिजी स्केड्यूल में से, जो कोहली ने कहा भाई मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं जाके अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखूंगा, मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सब लोग जो है खुल के अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और फिर आके जो है वो मैक्सवेल के लिए एक टांग के ऊपर खड़े होकर तालियां बजानी पड़ी ये दोनों, सचिन और कोहली दोनों को। खैर नवीन की भी कुछ ट्वीटें आ रही थी पता नहीं इसी मैच से पहले, जिसके अंदर वो इसी किस्म की बात कर रहे थे कि तुम लोगों ने हमसे जो है वो सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था, तो अब हम तुम लोगों को देख लेंगे। यार 14 घंटे हुए हैं तुम लोगों को क्रिकेट खेलते हुए, अब इसी फड्डे लेने शुरू कर दिए इन्होंने हर किसी से फड्डे लेने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स जो कि आप इमेजिन कर सकते थे ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, और वो देखने को मिल गई। वर्ल्ड कप का वैसे मजा आना शुरू हो गया, अब जिस किस्म के मैचेस होने शुरू में काफी वन साइडेड हुए लेकिन अब आया है मजा। तीन गोरी टीमें तो हमें क्वालिफाई कर चुकी है, नहीं बल्कि दो, अपने इंडिया वाले भी काफी गोरे हो गए हैं अभी, लेकिन चलो जो भी हो दो गोरी टीमें हो गई हैं। उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी गोरी टीमें जाएंगी, मुझे ये था कि ये सब कॉन्टिनेंट की टीमें जो हैं वो इस वर्ल्ड कप के अंदर टॉप फोर के अंदर जा रही होंगी, मार मार के हम खेल ही रहे हैं पीछे। देखो भाई अब न्यूजीलैंड का जाना बिल्कुल नहीं बनता है, ईमान से बताओ, मेरे इंडियन दोस्तों भी बताओ, तुम लोग भी नहीं चाहते हो कि न्यूजीलैंड अब आगे आए, यही होना चाहिए कि पाकिस्तान ही आए, को थोड़ा देसीपन भी तो आगे जाए ना यार, क्या गोरे रोबोट के बच्चों के साथ खेलेंगे। खैर बात करेंगे दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में हो गई है। यार ये क्या हुआ, ये टाइम आउट कर दिया तुम लोगों ने मैथ्यूज को, हुआ ये कि मैथ्यूज मासूम जो है आउट होने के बाद क्रीज के ऊपर आ रहा था और कोई दो मिनट का भी उन्होंने टाइमर कर लिया, एक जमाने में तीन मिनट का हुआ करता था, उन्होंने दो मिनट का कर लिया इस वर्ल्ड कप के अंदर के, दो मिनट के अंदर अंदर आपको आके जो है वो गार्ड लेना पड़ेगा, जो भी नया क्रिकेटर आएगा जो भी बैटर है। वो बैटर जब आया तो मेरा ख्याल में उसका हेलमेट शेलमेट टूट गया, उसने हेलमेट लगवाने की कोशिश की तो शाकिब भाई जो है उन्होंने अपील की भाई ये तो दो मिनट से ऊपर हो गया तो तुम जाओ, और फिर वो रोना शुरू हो गया उसके, गया शाकिब के पास, शाकिब व्हाट द हेल इज दिस मैन, ये तू क्या हरकतें कर रहा है। शाकिब देखे मीसनी सी चक्कर बना के नहीं पता, जाके बात करो अंपायर से ही बात करो। ऐसे लोग होते हैं अक्सर जिन्होंने असाइनमेंट की भी होती है और बाकी को भी फंसा लेते हैं क्लास के अंदर, ऐसे बच्चे होते थे ना, बाद में जो है वो भी कहीं उसी तरह ही जलील हो रहे हैं जिस तरह बाकी हम सब जलील हो रहे होते हैं। तो ये खैर इसी किस्म का हर जगह हर एक क्लास में एक ऐसा लड़का होता है, शाकिब ने मुझे वो याद करा दिया। मेरा बाकी तो सब बातें साइड पे हैं, मेरा ख्याल में तो नहायत ही घटिया हरकत थी। एक क्वेश्चन जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैथ्यूज ने वैसे बड़ी जबरदस्त किस्म की लॉजिक्स आगे से दी, उसने तो बल्कि प्रूफ भी दे दिए कि भाई ये 5 मिनट 5 सेकंड मेरे पास अभी पड़े हुए थे, उसने टाइम स्टैम्प पूरे निकाल के आईसीसी को टैग किया हुआ कि मेरा आउट ही गलत था, एंड में मैच भी इतना फंसा हुआ था, लास्ट मोमेंट तक गया है, 10-20 रन की गेम रह चुकी थी। खैर बांग्लादेश जीत चुका है और उन्होंने फिर हाथ भी नहीं मिलाए श्रीलंका से जो है, ये तो अच्छी खासी राइवलरी होगी। अच्छा यार किसी और की राइवलरी पे भी जाओ, जबरदस्ती का हमें जो है वो सामने कर रहे हो, तो इंडिया के भाई हमें क्यों उनके सामने किया, उसके बाद पूरी दुनिया उनसे हार रही है, हमें मुफ्त में जो है डबल बेस्ती फील हो रही होती है। तो पूरी दुनिया जब हारती है कहती है ठीक है वो डिजर्विंग तो थे, हम इधर ही जलील हो रहे हैं कोई बिगेस्ट राइवलरी करके, तुम लोग अपने पैसे के चक्कर में हमें ख्वार कर रहे हो, भाई हमने नहीं करनी राइवलरी। अच्छा है कोई इस किस्म की राइवलरी वगैरह बन रही है ताकि हमसे जान छोटे इनकी हमारा एमी टीमों के हम मैचेस देखे उसके ऊपर ज्यादा टेंशन, फिर दूसरी टीमों के भी मैचेस देखे अपनी ही टीम की वजह से जो हमारे साथ हो रहा है। उस दिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच भी टेंशन में देखा, अभी ये ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वाला मैच भी हम टेंशन में थे, अभी श्रीलंका और न्यूजीलैंड को मैच होगा उसमें भी हम ही टेंशन में होंगे, अपनी टीम का तो मैच वैसे ही टेंशन में होते हैं, कितनी टेंशनें देनी है हमें भाई। खैर तो इनकी राइवलरी वगैरह कुछ शुरू हो चुकी है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है भाई कि जब स्पिनर बॉल करा रहा था मैथ्यू यार, तो तू हेलमेट साइड पे कर लेता दो मिनट के लिए, तूने भी जो है हेलमेट ही पहन के करना, हेलमेट नहीं होगा तो मुझे कहीं
मैथ्यू पे ना बॉल लग जाए, फलाना ना हो जाए, तू छोड़ दे दो मिनट के लिए। खैर पॉइंट जो भी हाईलाइट किए मैथ्यू ने वो मेरा ख्याल में तो वो सही पॉइंट्स हैं। बड़ी छोटी और घटी हरकत है, दुनिया में मेरा ख्याल में पहली दफा हुआ है कि कोई टाइम आउट होगी। मुझे तो समझ ही नहीं आई है कि ये कौन सा रूल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस रूल पे भी आउट हो जाते हैं। मुझे ये था कि चलो कोई पेनल्टी होगी, कुछ लोग ये भी इसके ऊपर बात करेंगे जो बॉलर जो है वो उनको भी पेनल्टी देनी पड़ती है, पाँच छः मिनट ऊपर हो जाए तो पता नहीं चार बंदे सर्कल के अंदर पाँच बंदे सर्कल के अंदर इस किस्म की बातें हो रही होती। तो यार भाई इस आउट के ऊपर जितनी बहस की उसके ऊपर भी तो टाइम जाया ही होगा। खैर जो भी हो, मुझे तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दें और वो ये है कि ये रूल की तुक क्या बनती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग बड़े जो है वो अपनी तरफ से जेन जी और न्यूअर क्राउड जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए 11 घंटे में जो गेम खत्म होनी थी उसको 10 घंटे और 35 मिनट में लाना चाह रहे हैं। जिस बंदे के पास 8-10 घंटे है ना मैच देखने का, जो हम जैसे ख्वार होते हैं जो कि बैठ के पूरा मैच देख रहे होते हैं ओडीआई के पास, उस बंदे के पास आधा घंटा मजीद भी होगा जाया करने का अगर आप वो आधा घंटा जो बचा रहे हैं इन बकवास रूल्स की वजह से। हम कह रहे हैं कि भी ओडीआई जो है वो अब चेंज हो जाना चाहिए, कि फॉर्मेट ही चेंज हो, अभी दुनिया बदल चुकी है, यहाँ पर जो है किन चीजों पे किन बहस में, ये इन्होंने सोल्यूशन निकाला है कि जी हम 3 मिनट की बजाय 2-2 मिनट पे बंदा अंदर करेंगे। वाह 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 भाई वाह, कब से रो रहा हूँ यार ये आईसीसी में यार कोई काम के बंदे बैठा दो, पता नहीं कौन होंगे टाइम ना मिल सके। लेकिन फिर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को छोड़े, अगर अभी तक मेरा भी चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे भी बाय 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 वाह। तो यार अभी ये मेरी पहली वीडियो थी जिस जो मैंने रिएक्ट किया, शायद अच्छी बनी या ना बने, मोबाइल इसमें काफ़ी अनस्टेबल रहा है तो सॉरी, ये पहली क्रिक रिएक्टिंग की थी तो माफ़ी चाहिए। बाय बाय।